हेलो बच्चों, हाय, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम श्वेता है और हम जो आज पढ़ने वाले हैं क्लास सेवेंथ के बच्चों के लिए, वो है ऑब्वियसली वर्ब्स का टॉपिक। आई होप कि आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि वर्ब्स क्या होता है और हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो वर्ब्स क्या होता है ना बच्चों। वर्ब्स होता है वो वर्ड जो आपको बताता है कि आपके साथ जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, या आप जो कर रहे हो वो क्या कर रहे हो। ठीक है, आप बोलोगे मैम सेवेंथ क्लास में है, वर्ब्स का हमको थोड़ा बहुत आइडिया है, इंग्लिश तो हम पढ़ ही रहे हैं बचपन से, है कि नहीं। बट आज भी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ये क्लियर ही नहीं है कि वर्ब्स क्या होता है, कहाँ यूज करते हैं, कैसे करते हैं, और सेवेंथ क्लास की इतनी छोटी मोटी सी उम्र में तो ये कन्फ्यूजन और बहुत बड़ा रूप ले लेती है। ठीक है, तो इसलिए मैं वर्ब्स की क्लास के साथ आई हूँ ताकि आप सब लोग पहले ही ये कन्फ्यूजन क्लियर कर लो, और ऑब्वियसली जब आप लोग आगे चल के 9th, 10th, 11th, 12th की बड़ी बड़ी क्लासेस में पढ़ाई करोगे उससे पहले आपको ये पता होगा। और एक और छोटी सी बात ये है कि अगर आपके बड़े भाई बहन जो कि 9th, 10th, 11th, 12th में पढ़ते हैं और उनको वर्ब्स का यूसेज नहीं पता होगा तो आप क्या करोगे, फटाक से उनको ठीक कर दोगे। ठीक है, तो ये हमारी आज सेवेंथ की पहली क्लास है, तो आई होप आप सेवेंथ के बच्चे सब यहाँ पर मेरे साथ जुड़ चुके हो। और चलिए आइए हम शुरू करते हैं कहानियां जो हम पढ़ेंगे अब वर्ब्स के बारे में। ओके, सो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि वर्ब्स होता क्या है, तो दोस्तों वर्ब्स क्या होता है, ये जो आपको दिख रहा है यहां पर द सब्जेक्ट इज डूइंग, जो मैंने लिखा हुआ है, जिसका मतलब क्या है कि सब्जेक्ट जो कर रहा है। अब आप पूछोगे मैम सब्जेक्ट क्या होता है, राइट? तो सब्जेक्ट बेटा कुछ नहीं होता है, बस इंग्लिश लैंग्वेज में आपको बड़ा लग रहा है सुनने में, सब्जेक्ट का सिर्फ एक ही मतलब होता है और वो होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप अगर बोलोगे कि यार मेरा भाई ना बहुत सोता है, तो आप अपने भाई की बात कर रहे हो, अपने भाई के सोने के बारे में बात कर रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, मेरा भाई आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो वर्ब क्या हुआ, वर्ब हुआ उसका सोना, क्योंकि वो क्या करता है, बहुत सोता है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। तो वर्ब्स यहां पर लिखा है व्हाट आर वर्ब्स, और उसका मतलब क्या है एक्चुअली में कि व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग, कि वो जो सब्जेक्ट है, वो जो बंदा है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, वो एक्चुअली में कर क्या रहा है यार, पता तो चले, और वो क्या कर रहा है वो हमें पता चलेगा सब्जेक्ट, आई एम सॉरी वर्ब के थ्रू। ओके, तो यहां पर मैंने आपके लिए डेफिनेशन लिखी है, बहुत छोटी सी, हमको ऐसे बड़ी सी बहुत वर्ड्स वाली डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे, उससे आप लोगों का कोई फायदा नहीं होने वाला है। विल ट्राई टू कवर द टॉपिक अप विद स्मॉल डेफिनेशंस एंड ऑब्वियसली समथिंग दैट मेक्स इट इंटरेस्टिंग फॉर यू। ठीक है, तो वर्ब्स जो है क्या है, वर्ड्स होते हैं जो हमें बताते हैं एक्शंस के बारे में। किसके बारे में बताते हैं हमको, एक्शंस के बारे में। अब जिन बच्चों को एक्शंस का मतलब नहीं पता है उनके लिए मैं हिंदी में बता देती हूं, उनका मतलब होता है कर्म। ठीक है, कि जो भी आप काम कर रहे हो वो काम आप वर्ब कहते हो इंग्लिश में। थोड़ी और हिंदी में चलें तो आप क्या कहोगे, क्रिया। जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी क्रिया है, उसे आप इंग्लिश में वर्ब कहते हो। ठीक है, अब जिन बच्चों को काम और क्रिया का मतलब पता है उनके लिए वर्ब क्लियर हो चुका है, बट जिनको इतना ज्यादा भारी भरकम हिंदी नहीं समझ आता उनके लिए मैं यहाँ पर जिफ के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, अब देखो टॉम एंड जेरी सबको पसंद है कि नहीं, हम सभी ने अपने बचपन में और आप लोगों ने भी अपने बचपन में देखा होगा टॉम एंड जेरी। एक छोटा सा जेरी होता है, उसके पीछे बड़ा सा टॉम पूरा टाइम भागता रहता है उसको पकड़ने के लिए, बट एक्चुअली में वो दोनों क्या होते हैं, बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, राइट? तो अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो हमारा टॉम है वो पूरे दिन जेरी के पीछे भाग भाग के भाग भाग के भाग भाग के थक हार के सो चुका है, क्योंकि जेरी तो उसके पीछे भागता नहीं है, वो ही जेरी के पीछे भागता है, लेकिन वो जेरी को कभी पकड़ नहीं पाता। तो यहां देखो कितना थका हुआ टॉम है, तकिए को भी देख रहा है कि इसके अंदर तो कहीं जेरी नहीं निकल आएगा, तो वो देख रहा है और फिर वो आराम से क्या कर रहा है,
सोने जा रहा है, राइट? तो यहाँ पर वो सो रहा है। वो काम क्या कर रहा है बच्चों? वो काम क्या कर रहा है? वो सो रहा है। ही इज गोइंग टू स्लीप और टॉम इज स्लीपिंग। तो सोना जो है एक काम है, एक क्रिया है जो हमारे टॉम महाराज यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ? ये एक तरीके का वर्ब हुआ, राइट? तो अब यहां पर हम देखेंगे कि जो हमारा यहां पर टॉम है वो क्या कर रहा है? वो सो रहा है, राइट? तो ये जो सो रहा है वो वर्ब हुआ, जैसा कि मैंने बताया। और ये क्या कर रही है लड़की? मुंह में भर भर के क्या कर रही है? खा रही है, बेसिकली ठूस रही है। अब इसके लिए ना दो वर्ड है मेरे दिमाग में, लेकिन मैं बताऊंगी आपको एक ही जो कि सिंपल वाला है। तो हम इसको कॉम्प्लेक्स धीरे धीरे करेंगे। पहली क्लास है, लेट्स कीप इट सिंपल, लेट्स कीप इट फन एंड इंटरेस्टिंग फॉर यू। आई होप इन सबको आप जानते होंगे ये कौन है बच्चों। कमेंट्स में मुझे फटाफट से बताओ। टॉम एंड जेरी मैंने आपको बता दिया है, ये आपको शायद पता होंगी कि कौन है। अक्सर सब लोगों को पता होती है, डिज्नी में भी आपने इनको बहुत देखा होगा। आई होप आप लोगों ने कॉमेंट्स कर दिए होंगे अब तक। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है सेलेना गोमेज। और ये यहाँ पर क्या कर रही है? ठूस ठूस के खा रही है। उस बेचारी को इतनी ज्यादा भूख लग रही है कि उसने सोचा कि मैं पूरा एक हॉट डॉग लूंगी और चबा जाऊंगी, है कि नहीं? तो यहाँ पर वो क्या कर रही है? खा रही है। सो व्हाट इज शी डूइंग? शी इज ईटिंग। व्हाट इज शी डूइंग? शी इज ईटिंग, राइट? तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सेलेना गोमेज के बारे में। और सेलेना गोमेज क्या कर रही है? खा रही है। शी इज ईटिंग। इज दैट क्लियर? यहां पर टॉम क्या कर रहा है? सो रहा है। सेलेना गोमेज क्या कर रही है? खा रही है। तो जो भी हमको काम बताने वाले शब्द होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं वर्ब्स, ठीक है? और सोना, खाना, पीना, नहाना, डांस करना, बातें करना, चलना, घूमना, फिरना, मूवी देखना, ये सब एक्चुअली में काम ही तो है। हमारी पूरी दुनिया काम से घिरी पड़ी है। आप कुछ भी करोगे आप काम तो कर ही रहे हो ना। आप चाहे पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, बैठे हुए हो, बातें कर रहे हो, सो रहे हो, हर एक चीज में आप काम तो कर ही रहे हो। तो ये सब वर्ब्स के अंदर आता है। बेसिकली आप ये कह सकते हो कि पूरी दुनिया वर्ब से ही बनी है, राइट? जो बहुत सालों पहले के जो लोग होते थे हमारे, वो लोग क्या करते थे? वो लोग भी तो काम करते थे। उनका काम क्या होता था? सो जाओ, उठो, शिकार पर जाओ, हंट करो और बड़ा सा एनिमल लाके खाओ और उसको चबा जाओ। तो ये सब उनके क्या होते थे? काम होते थे, डेली रूटीन होता था। आजकल के बच्चों का काम क्या होता है? स्पेशली लॉकडाउन में उनका काम क्या होता है? वो लोग क्या करते हैं? सोते हैं, उठते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, शायद ना भी नहाते हूं, है ना? तो दे डोंट टेक अ बाथ। उसके बाद फोन उठाया और लग जाओ पबजी खेलने में। बट पबजी तो बैन हो गया ना, तो लेकिन कुछ लोग अभी भी खेल रहे हैं। मेरा खुद का छोटा भाई मुझे बताता है कि वो अभी पबजी खेलता है कि नहीं? तो आप लोग भी खेलते होंगे। बट अगर आप पबजी नहीं खेल रहे हो तो आप लोग इंस्टाग्राम चला रहे हो, आप लोग फेसबुक चला रहे हो, पढ़ना लिखना साइड में थोड़ा बहुत हो जाता है। तो ये सब कर क्या रहे हो आप लोग एक्चुअली में? क्या कर रहे हो बच्चों? काम कर रहे हो। क्या कर रहे हो? काम कर रहे हो। उठ रहे हो, फोन चला रहे हो, पबजी खेल रहे हो, गेम खेल रहे हो, खाना खा रहे हो, ये सब क्या है? काम हो गए, ठीक है? अब हमको क्लियर हो गया कि जो भी हमारे काम होते हैं उनको हम क्या कहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में? वर्ब्स कहते हैं, राइट? और बच्चों इंग्लिश लैंग्वेज ऑब्वियसली ऐसे उठ के तो नहीं आ गई कहीं से, चीजों से बनकर मिलकर बनी हुई है, राइट? तो इसमें वर्ब्स आते हैं, नाउन्स आते हैं, इंटरजेक्शंस आते हैं, कंजंक्शंस आते हैं, ऐसे ही काफी सारी और चीजें हैं जो इसके अंदर आती हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ। और हम उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज कर रहे हैं जो कि क्या है? वर्ब्स हैं। क्लियर? तो इनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और सेवेंथ क्लास के बच्चों के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी लाइफ आगे चालू होने वाली है। यही नहीं पता होगा तो आगे क्या करोगे? इसी के साथ साथ चालू होना भी क्या हुआ? वर्ब हुआ,
है कि नहीं? तो हर एक चीज में वर्ब है, मैं बोल रही हूं ये भी वर्ब है, ये भी क्रिया है, काम है। और यहां पर देखो इमेजेस में, देखो फटाफट से इधर देखो, आई होप सब लोगों ने एवेंजर्स देखी है, सबको एवेंजर्स के बारे में पता है, सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी रही है ये, राइट? तो यहाँ पर कौन है हमारे, कैप्टन अमेरिका, यहू। और साइड में कौन है, ब्लैक विडो। और ये सब लोग, ब्लैक पैंथर, ये सब लोग क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं, दे आर रनिंग। क्यों? ईविल को पकड़ने के लिए, सुपर विलन को पकड़ने के लिए और उसको रोकने के लिए। तो यहां पर ये सब लोग क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं, दे आर रनिंग, राइट? तो वापस से यहां पर देखो, ये सब लोग भाग रहे हैं, रन कर रहे हैं। तो रन करना भी एक तरीके से काम ही तो हुआ ना, कुछ तो कर रहे हैं ना, तो वो जो करना है वो काम है, क्रिया है। तो क्रिया क्या है, भागना, और रनिंग उसका इंग्लिश वर्जन, और वो क्या हुआ, रन हमारा वर्ब हो गया, ठीक है? तो सोना, खाना और भागना, ये तीनों हमारे वर्ब्स में से आते हैं। ओके फाइन, लेट्स मूव ऑन। अब यहां पर देखो बच्चों क्या होता है, हम वर्ब्स की बात तो कर रहे हैं, हमें वर्ब्स समझ तो आ गए हैं, बट एक्चुअली में वर्ब्स सिर्फ इतना सा नहीं है कि भाई हाँ काम हो गया और खत्म हो गया, राइट? तो वर्ब्स जो है इससे बहुत बड़ा टॉपिक है। तो आज हम उस बहुत बड़े टॉपिक में से छोटा सा टॉपिक कवर करेंगे, जिसको हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब्स, जिसका मतलब क्या है कि ये सारे जो वर्ब्स हैं इनके कुछ टाइप्स होते हैं। तो इन टाइप्स में से कौन से वर्ब्स हम आज पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं थोड़े से एक्शन वर्ब्स, थोड़े से स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स, और उसके बाद एक और डिस्टिंक्शन वर्ब्स के बीच में। इज दैट क्लियर? ओके, अभी हम एक्शन वर्ब्स पे ध्यान देते हैं। अब मैं वापस से आपको पिछली स्लाइड पे लेके जाती हूँ। यहां पर क्या हो रहा है, कोई काम हो रहा था ना, कोई एक्शन हो रहा था ना, तो यहां पर ऑब्वियसली ये देखो, टॉम सो रहा है, सेलेना खा रही है, ये सब लोग भाग रहे हैं, तो कुछ काम हो रहा है, कोई एक्शन हो रहा है, तो ये सब लोग हमारे क्या हो गए, एक्शन वर्ब्स में आ गए, राइट? तो यहां पर ये जो मैंने लिखा है टाइप्स ऑफ वर्ब्स, उसमें एक्शन वर्ब्स में आ गए। ये देखो यहां पर ये क्या कर रहा है, चल रहा है, तो वॉकिंग भी क्या हुआ हमारा, एक तरीके का वर्ब हुआ, और वो क्या बताता है हमें, कुछ काम बता रहा है जो कि एक्चुअली में हो रहा है, तो वो हमारा एक्शन वर्ब हो गया। ओके, एक्शन वर्ब्स काफी इजी है समझना, एक्शन वर्ब्स में कुछ नहीं होता है, जो भी काम आप कर रहे हो वो एक्शन वर्ब हो गया, ठीक है? मैं बोल रही हूं एक्शन वर्ब है, ऑब्वियसली एक्शन वर्ब मतलब काम करने वाला, क्रिया, सिंपल। ओके, तो यहां पर लिखा है दीज वर्ड्स शो एक्शन, ये वर्ड्स क्या करते हैं, हमें एक्शन दिखाते हैं, जैसे कि मैंने आपको भी अच्छे से समझा दिया। अब इस जिफ में क्या हो रहा है, ये मेरा एक जिफ है ना, बड़ा सा एक दानव, बड़ा सा एक जायंट है जो कि चल रहा है, और आपको दिख रहा होगा कि इस जायंट को कुछ लोग अटैक कर रहे हैं, अटैक मतलब उसके ऊपर हमला कर रहे हैं, और क्या मार रहे हैं उसके ऊपर, वो लोग मार रहे हैं उसको तीर, और ये बड़ी बड़ी बॉल्स मार रहे हैं। बट एक्चुअली में दानव को कोई फर्क पड़ नहीं रहा है, क्यों, वो क्या कर रहा है, खुद को बचा रहा है, हाथ पर एरोज लेके उनको फेंक रहा है, ये देखो फेंक दिया उसने, ठीक है? तो यहां इस एक जिफ में बहुत सारे काम हो रहे हैं, सिर्फ चलना ही नहीं उसके अलावा भी। तो हम देखते हैं कि वो एक्शन वर्ब्स क्या हो रहे हैं। तो इन द जिफ द जायंट इज डिफेंडिंग हिमसेल्फ, तो वो क्या कर रहा है, खुद को डिफेंड कर रहा है कि नहीं? तो यहां पर वो आपको खुद को डिफेंड करता हुआ दिख रहा है, और उसके अलावा वो क्या कर रहा है, यहां पर वॉकिंग भी कर रहा है, ही इज ऑल्सो वॉकिंग। उसके अलावा क्या हो रहा है, उसको अटैक किया जा रहा है, आपको दिख रहा होगा उसको अटैक किया जा रहा है ना, मतलब हमला हो रहा है उस पर। तो अटैक भी एक वर्ब हुआ, आप किसी को अटैक करते हो, क्लियर? ओके, और उसके अलावा वो क्या कर रहा है, खुद को डिफेंड कर रहा है, खुद को बचा रहा है। तो एक ही जिफ में बहुत सारे काम हो रहे हैं, डिफेंड भी कर रहा है, वॉक भी कर रहा है, और उसके ऊपर अटैक भी हो रहा है। और ध्यान से देखोगे तो ये स्माइल भी कर रहा है, ही इज लाइक, अरे तुम लोग कुछ नहीं कर सकते मेरा, यू गाइस कांट डू एनीथिंग, राइट? तो यहां पर वो क्या कर रहा है, स्माइल भी कर रहा है, कि उसको फर्क नहीं पड़ रहा है, पूरी बॉल उसके सर के ऊपर आके फूट रही है,
ठीक है, तो ये सब जो काम हो रहे हैं ये हमें क्या समझ आ रहा है, ये एक्शन वर्ब्स हैं इस जिफ के थ्रू। इस जिफ को याद रखना, हम लोग जो है क्विज भी कंडक्ट कराएंगे, आई होप आप लोगों को क्विज के बारे में पता है। तो बेसिकली क्या होता है बच्चों, जब भी आपको कोई टीचर पढ़ाएगा और आप अपना लेक्चर अटेंड करोगे, तो उसमें जो टीचर है वो आपसे पूरे लेक्चर के बीच में कभी भी क्विज कर सकता है, मतलब वो कभी भी आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है जो भी उसने पढ़ाया उस बारे में, और आपको क्या करना है, फटाफट से आंसर पे क्लिक कर देना है जो वो पूछेगा, और जैसे ही आप आंसर पे क्लिक करोगे आप एक कॉन्टेस्ट में एंटर कर जाओगे, ठीक है। तो उस कॉन्टेस्ट के लिए आपको जो भी इंफॉर्मेशन देखनी है वो आपको रात को 11 बजे मिल जाएगी विनर्स अनाउंसमेंट में। फिलहाल आप मेरी क्विज का वेट करो, और ध्यान रखना कि आप बहुत अच्छे से लेक्चर सुनो। तो मैंने आपको फिलहाल अभी क्या बताया, मैंने आपको ये चीजें बताई कि वर्ब क्या होता है, और हम टाइप्स ऑफ वर्ब्स में से पहला वर्ब कर रहे हैं विच इज एन एक्शन वर्ब। इज दैट क्लियर? ओके, अब इसके अलावा दूसरे टाइप्स ऑफ वर्ब्स, एज इन जो दूसरा वर्ब है यहां पर, वो क्या होगा, एक और टाइप ऑफ वर्ब जो कि स्टेट ऑफ बीइंग होता है। अब थोड़ा ज्यादा हो गया ना, मतलब आपको लग रहा है थोड़ा भारी हो गया, मैंने अभी तो कुछ भारी बताया नहीं है, अभी मैं सिर्फ आपको टाइप ऑफ वर्ब्स में दूसरा सेक्शन बता रही हूं। एक टाइप ऑफ वर्ब क्या है, एक्शन, और दूसरा क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग। तो स्टेट ऑफ बीइंग क्या होता है, स्टेट ऑफ बीइंग होता है बच्चों जिसमें जो भी आपको सेंटेंस लिखा हुआ है वो ये बताएगा कि उस सेंटेंस में जो है वो कैसे है। तो यहां पर कोई काम नहीं हो रहा है, यहां पर बस होना है। जैसे कि इस पिक्चर को देखो आप, इस पिक्चर में क्या हो रहा है, इस पिक्चर में लड़की मुंह फेर के खड़ी हुई है साइड में, है कि नहीं, थोड़ा गुस्से में है, थोड़ी अपसेट लग रही है ना, थोड़ा सा मतलब खुश नहीं लग रही, और ये भी जो दिखा रहा है कि फटने वाली है, गुस्से में है। तो ये जो लड़की है कोई काम कर रही है यहाँ पे, गुस्सा कर तो नहीं रही, चिल्ला तो नहीं रही, तो काम तो नहीं कर रही, बस खड़ी हुई है, गुस्से में खड़ी हुई है कि नहीं। तो यहां से हमें क्या समझ आ रहा है कि ये कोई काम नहीं कर रही है, बस वो है, बस वो यहां पर खड़ी है, राइट। तो ये जैसे यहां पर है, इस चीज को हम बोलेंगे स्टेट ऑफ बीइंग। बीइंग का मतलब क्या होता है बच्चों, बीइंग का मतलब होता है होना, मतलब आप एग्जिस्ट करते हो, आप एक्चुअली में इस दुनिया में हो, और आप जो कर रहे हो वो हो, एक तरीके से हो रहा है किसके थ्रू, आपके ही थ्रू। तो आप उसको क्या बोलोगे, बीइंग वाला स्टेट बोलोगे, ठीक है। अब जैसे यहां पर बस ये गुस्से में है, गुस्सा कर नहीं रही है, गुस्से में है, तो इस होने को मैं स्टेट ऑफ बीइंग में डालूंगी, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हुआ, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, ऑब्वियसली एग्जाम्पल्स देखते हैं जो आपके लिए क्लियर कर देगी चीजें, ओके। यहाँ पर क्या लिखा है, शी सीम्स अपसेट, वो कैसी लग रही है, अपसेट लग रही है। अपसेट का मतलब क्या होता है, ऑब्वियसली थोड़ा सा गुस्से में या खुश नहीं लग रही। सीम्स, ऐसा दिखता है कि वो अपसेट है, ऐसा दिख रहा है कि वो अपसेट है, सो दिख रहा है, कुछ कर नहीं रही है वो, अपने हाथों से कोई जुगलबंदी या अपने मुंह से कोई गाना नहीं गा रही है, राइट, जगल बॉल नहीं खेल रही है। तो ये सब क्या है, दिख रहा है या बस है, कुछ हो नहीं रहा है। तो जब कुछ हो नहीं रहा है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि वो स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब कहलाते हैं। ये दो जो है लार्जर वेराइटी है हमारे वर्ब्स की, बस यही दो है। सो इसमें सीम्स आ गया, जैसे कि देन यहां पे लिखा है ही इज अ गुड डांसर, कोई काम नहीं कर रहा ना वो, यहां पे तो लिखा कि ही इज डांसिंग, तो डांसिंग वर्ब नहीं लिखा, सिर्फ लिखा है ही इज अ गुड डांसर, तो गुड डांसर वो है। आपका भी कोई दोस्त होगा ना जो बहुत अच्छा नाचता होगा, या कोई दोस्त होगा जो बहुत अच्छे से बोलता होगा, या कोई दोस्त होगा जो बहुत अच्छी एक्टिंग करता होगा, राइट, तो उनको आप क्या बोलोगे, ही इज अ गुड डांसर, और ही इज एन एलोक्वेंट स्पीकर, और ही इज अ गुड एक्टर। कहीं पर भी काम नहीं हो रहा है,
आप सिर्फ उस बंदे को डिफाइन कर रहे हो, ठीक है? तो कोई काम नहीं हो रहा है तो स्टेट ऑफ बीइंग वाले वर्ब हो गए, सिर्फ है वाले वर्ब आप यूज करोगे, ठीक है? कि वो ऐसा है या ऐसा होना है, ठीक है? एग्जिस्ट करता है ऐसे, तो ये हो गया. एंड देन लास्ट क्या है, शी फील्स सैड. वो कैसा फील कर रही है? सैड फील कर रही है, राइट? तो यहां पर वो कुछ बोल नहीं रही है, कुछ कर नहीं रही है, वो बस फील कर रही है. और इस फील करने को हम बोलेंगे एक स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब, ठीक है? ओके, आई होप दीज थिंग्स आर एक्सट्रीमली क्लियर टू यू. अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम चलेंगे टाइप्स ऑफ वर्ब्स की सेकंड कड़ी पर, ठीक है? अब देखो क्या है कि हमारे काम तो बहुत होते हैं ना करने वाले, तो हमने काम तो कर लिए, बट ये जो पहले वाले काम थे ये हमने अलग किए, और अब जो हम करेंगे वो ग्रामर के हिसाब से करेंगे, ठीक है? तो ग्रामर के हिसाब से वर्ब जो है वो दो टाइप के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब. इज दैट क्लियर? मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब. मेन वर्ब होते हैं जो भी हमारे काम होते हैं. मेन वर्ब क्या होते हैं? जो भी हमारे काम होते हैं. और हेल्पिंग वर्ब अभी से नहीं बताऊंगी मैं आपको, आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, तो अभी के लिए आप बस इतना याद रखो कि वर्ब दो टाइप्स के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब होता है और एक मेन वर्ब होता है, ठीक है? तो मेन वर्ब्स क्या होते हैं, हमारे एक्चुअल जो काम हो रहे हैं, जैसे मैंने बताया ना ये सारे जो काम हो रहे हैं, जो एक्शन वर्ब्स हैं हमारे सारे, जिनमें कुछ काम होता है, वो सब हमारे मेन वर्ब्स कहलाते हैं किसी भी सेंटेंस में, ठीक है? आई होप दैट्स क्लियर. बस इतना सा ही था. और अब हमने जो मैंने आपको बताया उसके ऊपर मैं आपसे क्विज पूछने वाली हूँ, राइट? हम लोगों की 25 मिनट्स की क्लास हो गई है, अब मैं आपसे क्विज पूछूंगी. सो आई होप यू आर रेडी फॉर द क्विज. जो ये जो आउल है हमारा, ये सोच रहा है यहाँ पर कि अरे क्या क्वेश्चन आने वाला है क्विज में, राइट? ज्यादा मुश्किल मैंने पढ़ाया नहीं, ज्यादा मुश्किल मैं पूछूंगी भी नहीं. लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन नंबर वन, विच सेज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेन वर्ब्स आर देयर. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेन वर्ब्स आर देयर, जिसका मतलब क्या है कि जो भी हमारे मेन वर्ब्स है बच्चों, यहां पर इस मेन वर्ब को आप एकदम सबसे पहले वाली वर्ब की तरह लेना, उनके कितने टाइप्स हैं? लेट्स सी आप लोग क्या आंसर करते हो. क्या मैंने किसी वर्ब के आपको 8 टाइप्स बताए? क्या मैंने 4 बताए? क्या मैंने 3 बताए? मैंने सिर्फ 2 बताया, ठीक है? आई होप आंसर कर दिया होगा. आगे चलते हैं. सो यहां पर है व्हाट इज अ ट्रांजिटिव वर्ब. अब क्या होता है बच्चों कि ट्रांजिटिव वर्ब जो है हमारे, आई वॉन्ट यू टू टेक अ गेस हियर, ठीक है? कि ट्रांजिटिव वर्ब जो होते हैं हमारे, क्या वो ऑब्जेक्ट लेंगे, क्या वो ऑब्जेक्ट नहीं लेंगे, या वो सब कुछ करेंगे या कुछ भी नहीं करेंगे? मैंने आपको अभी तक बताया नहीं है इस बारे में. ऑल आई वॉन्ट यू टू डू इज जस्ट गेस. पहली क्लास है ना, टेस्ट कर लेते हो कि आपको ऑलरेडी कितना पता है वर्ब्स के बारे में. ऐसे ही इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं वो बताओ मेरे को. सेम ऑप्शंस हैं, गेस करो फटाफट से, पता है तो नहीं गेस करो, आंसर टाइप कर दो. अब यहां पर क्या होता है बच्चों, हमारे जो वर्ब फॉर्म्स हैं वो भी आते हैं, ठीक है? तो मैं पहले आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूं कि यहां पर जो हमारे मेन वर्ब था उसमें जो टाइप्स है वो क्या होते हैं. तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ब्स आर देयर, ऑब्वियसली 2. मैंने सिर्फ 2 वर्ब्स बताए ना आपको अब तक, तो सिर्फ 2 ही हैं. ऑप्शन सी आंसर है, मैंने और कुछ तो बताया नहीं आपको, तो सिर्फ 2 ही हैं. अब क्या होता है, हमारे जो मेन वर्ब होते हैं उसकी जो 2 टाइप थे जो मैंने बोला गेस करो, उसमें क्या होता है, एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है, ठीक है? अब ये जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है ये एक्चुअली में होता क्या है, लेट्स सी. ट्रांजिटिव वर्ब्स हमारे होते हैं वो वाले वर्ब्स जिनमें हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है? जिसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है किसी भी वर्ब का, वो होना बहुत जरूरी है उधर, ओके? अब इसके लिए मैं आपको एग्जांपल्स देती हूं. आपको लगेगा कि भाई मैम हर एक में तो हमको ऑब्जेक्ट चाहिए होता है ना, बट उससे पहले आपको ऑब्जेक्ट समझना भी पड़ेगा.
अब क्या होता है, ऑब्जेक्ट में हमारे पास आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हो, जैसे कि शी राइट्स अ लेटर, तो ये लेटर जो है हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, जिसके ऊपर काम होता है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं. इज दैट ओके? फाइन. तो अगर मैं कुछ पी रही हूं, जैसे शी ड्रिंक्स अ कोक, तो वो क्या हुआ, कोक मेरा ऑब्जेक्ट हुआ, राइट? या फिर बोलूंगी शी इज ड्रिंकिंग पेप्सी, तो वो पेप्सी मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, है ना? तो ये जितने भी मेरे वर्ड्स हैं ये ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, मतलब कुछ ऐसा हो रहा है जो मैं कर रही हूं, और वो मैं किसके ऊपर कर रही हूं वो भी उस सेंटेंस में होना बहुत जरूरी है, उस वर्ब के साथ, राइट? तो अब अगर मैं यहां पर बोलती हूं शी राइट्स अ लेटर, तो जो लेटर है मेरा ऑब्जेक्ट हुआ और राइट मेरा वर्ब हो गया. तो इससे मुझे क्या समझ आया कि मेरे जो ट्रांजिटिव वर्ब हैं, ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है, ट्रांजिटिव का मतलब होता है कि वो जो है वर्ब आगे ट्रांजिशन कर जा रहा है, मतलब आगे ट्रांसफर हो जाता है. किसको ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है वो आगे ऑब्जेक्ट को, ठीक है? तो मैं जो लिख रही थी वो मैं लिख रही थी, लेकिन क्या लिख रही थी, मैं लिख रही थी एक obviously letter, ठीक है? तो इस टाइप के बहुत सारे वर्ब्स होते हैं, और लार्जली हमारे पास जो है ट्रांजिटिव वर्ब्स ही होते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो लेते ही हैं हम लोग, ठीक है? ओके, एक और ट्राई करते हैं. आई होप आप लोग इसका आंसर कर पाओ, काफी इजी है. अगर मैं कहती हूं प्लीज ब्रिंग कॉफी, अगर मैं कहती हूं प्लीज ब्रिंग कॉफी, तो कॉफी यहां पर मेरा क्या है, ब्रिंग यहां पर क्या है? फटाफट से कमेंट्स में टाइप कर दो, मैं वेट कर रही हूं कि अगर मैं कहती हूं प्लीज ब्रिंग कॉफी, तो कॉफी क्या है और यहां पर ब्रिंग क्या है. तो ब्रिंग यहां पर ऑब्वियसली मेरा वर्ब है ना, मैं किसी को क्या कह रही हूँ कि भाई ये काम कर दे मेरे लिए तू, है ना? तो मैं कह रही हूँ कि ये काम कर दे, तो ये काम कर रहा है, तो ये काम जो है वो मेरा वर्ब हो गया. तो मैं कह रही हूँ उसकी कॉफी ला देना मेरे लिए प्लीज, तो वो जो लाएगा या वो जो ला रहा है, मैं उसको लाने के लिए कह रही हूं, तो ये लाना मेरा वर्ब हो गया. सो ब्रिंग मेरा वर्ब हो गया. अब वो क्या लाने के लिए कह रही हूं, मैं कॉफी लाने के लिए कह रही हूं, तो कॉफी मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, तो मैं क्या लगा रही हूं ब्रिंग के साथ, कॉफी. तो ये मेरा ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि मैं ऐसे नहीं बोलूंगी प्लीज ब्रिंग, ब्रिंग व्हाट, आप ही तो बोलोगे ना प्लीज ब्रिंग, तो क्या लेकर आऊ ये तो बताओ. तो वो जो कभी भी क्वेश्चन आपके मन में आता है ना कि क्या करूं, तो वो जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब हो जाता है, ठीक है? ओके, अब मेरे जो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन थे आपसे, इसका आंसर तो समझ आ गया आपको, ऑप्शन बी आंसर है वर्ब दैट टेक्स ऑब्जेक्ट, वो वर्ब जो ऑब्जेक्ट लेता है. ओके, देन व्हाट इज एन इनट्रांजिटिव वर्ब. अब देखो बच्चों, काफी इजी फॉर्मूला आपको बता रही हूं, आपको हमेशा समझने में इजी रह जाएगा. मोस्टली इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होता है, जब भी आप किसी वर्ड के आगे इन देखते हो और उससे पहले वाला वर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ऑलरेडी है, तो ट्रांजिटिव वहां पर क्या है, एक वर्ड है, और इन उसका नेगेटिव प्रीफिक्स है, जिसका मतलब क्या है कि ये जो है उसको उल्टा कर देगा, घुमा देगा. तो अगर ट्रांजिटिव का मतलब है कि वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आएगा, तो इनट्रांजिटिव उसका उल्टा हो गया, तो उल्टा घुमा के क्या हो गया कि नहीं आएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है? तो इसका आंसर क्या हुआ, ऑप्शन चॉइस ए, वर्ब दैट डज नॉट टेक ऑब्जेक्ट, ठीक है? अब इसके एग्जांपल से हम समझते हैं. आई होप आपके गेसेस सही हों, और अगर गलत हैं तो अब समझ लो कि इनट्रांजिटिव क्या होता है. तो इनट्रांजिटिव क्या हुआ, डेफिनेशन के थ्रू वो वाला वर्ब जो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट नहीं लेता है, ठीक है? एग्जांपल में देखते हैं. हमारे पास आपने सुना होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ब्स हैं जो होते हैं अराइव, अराइव मतलब आना, डाई, डाई मतलब मरना, मृत्यु, राइट? तो अगर कोई मर जाता है, इफ समबडी इज डेड, तो वो कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं लेगा ना साथ में, आप ये तो नहीं कहोगे कि ही इज डेड बिकॉज ऑफ समथिंग. अगर वो बिकॉज ऑफ समथिंग भी डेड है, तो वो भी उसका ऑब्जेक्ट थोड़ी हो, कोई काम थोड़ी हो रहा है उसके ऊपर, है कि नहीं? काम थोड़ी हो रहा है उसके ऊपर, तो जो काम नहीं हो रहा है वो क्या हुआ, हमारा ऑब्जेक्ट नहीं हुआ. तो जो डाई वर्ड है इंग्लिश में वो ऑब्जेक्ट नहीं लेता. ऐसे ही यू अराइव समवेयर ना,
अराइव समवेयर, आ रहे हूँ कहीं पर, तो उस जगह के ऊपर तो कुछ नहीं हो रहा, उस जगह को कोई काम नहीं हो रहा है ना, जगह तो लाइक वैसी रखी हुई है, बल्कि आप उधर आ रहे हो, जगह तो वैसे की वैसी ही है, तो अराइव भी क्या करेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लेगा इसी तरीके से। ऐसे ही हमारे बहुत सारे और वर्ड्स हो जाते हैं जो कि नहीं लेते हैं ऑब्जेक्ट्स। फाइन, ओके, लेट्स मूव ऑन नाउ। अब हमने वर्ब टाइप्स पढ़ लिए, मेन वर्ब के टाइप्स, मतलब जो हमारे एक्शन वर्ब्स हैं उनके टाइप्स क्या हैं, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव, वो हमको क्लियर हो गए होंगे। आप लोग मुझे कमेंट्स में एग्जांपल्स बताओ और बहुत सारे, और अगर नहीं पता है तो कल मैं एग्जांपल्स डिस्कस भी करूंगी आपसे, ठीक है? ओके, अब हमको वर्ब्स का दूसरा पॉइंट कवर करना है, विच इज दिस, वर्ब के फॉर्म्स होते हैं कि नहीं होते हैं। आई थिंक सबको ने सुना होगा ना, हर एक चीज का एक वर्तमान होता है, एक भूतकाल होता है और एक भविष्य होता है कि नहीं? तो हर एक चीज का एक प्रेजेंट होता है, एक पास्ट होता है और एक फ्यूचर होता है। तो ये जो चीजें होती है ये कामों की ही तो होंगी ना, ऐसे फ्री फंड में तो नहीं आ जाएंगी उठ के कि हाँ भाई हम यहाँ थे वहां थे। हर एक चीज एक टाइम स्पैन के अंदर है अर्थ में, तो ऐसे ही वर्ब्स भी हमारी टाइम के अंदर है। जब हम टेंसेस पढ़ेंगे तो बेटा ये चीज बहुत काम आएगी, तो इसको अभी से नोट डाउन कर लेना कि अब वर्ब फॉर्म्स जो होती है, मतलब प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल आप जनरली फ्यूचर के साथ यूज कर लेते हो, तो ये जो है हमारे, ये कहाँ यूज होते हैं, टेंसेस में यूज होते हैं, सेंटेंस बनाने में यूज होते हैं। तो वर्ब फॉर्म्स थोड़ा सा अलग है, इसमें दो टाइप के वर्ब्स फॉर्म होते हैं, एक होता है रेगुलर वर्ब और एक होता है इरेगुलर वर्ब, ठीक है? एक होता है रेगुलर और एक होता है इरेगुलर। रेगुलर का क्या फंडा है, रेगुलर का छोटा सा फंडा है, जो भी वर्ब है प्रेजेंट टेंस में उसके आगे आप ईडी लगा दोगे मोस्टली, और वो ईडी लगा दोगे तो वो सेम हो गया। तो इनका रेगुलर का मतलब क्या है कि पास्ट भी और पास्ट पार्टिसिपल दोनों सेम होते हैं, चेंजेस नहीं होते। तो अगर आपको एक याद है तो दूसरा ऑब्वियसली आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है? जैसे कि अब यहाँ पे अटैक है, तो अटैक क्या है, अटैक, अटैक्ड, अटैक्ड हो गया। ऐसे ही जब अराइव है तो अराइव क्या है, अराइव्ड और अराइव्ड है, राइट? ऐसे ही जब कुक है, कुक मतलब कुछ बनाना, तो कुक्ड है एंड कुक्ड है, मतलब हम कुछ बना रहे हैं, बना लिया था, बनाएंगे। ऐसे ही कंप्लेन है, शिकायत करना किसी के बारे में, तो शिकायत कर रहे थे और शायद आगे करेंगे। एंटर, एंटर क्या है, कहीं पर आना, तो एंटर कर रहे थे और एंटर, सेम चीज। ऐसे ही गैदर, इन सब के आगे आपको दिख रहा होगा ये नॉर्मल है, और इन सब के आगे ईडी 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 लगा हुआ है। गैदर मतलब किसी चीज को इकट्ठा करना, तो इकट्ठा किया, गैदर्ड एंड गैदर्ड। और ऐसे ही लूज हो गया, लॉस्ट एंड लॉस्ट, ठीक है? लूज मतलब क्या होता है, किसी चीज को खो देना। मैंने ना बहुत बच्चों को नोटिस किया है, वो लोग लूज एंड लूज में गलती कर देते हैं, मेरा बहुत गलत बात है। अब मैं समझा रही हूँ, आप सब लोग अपने बड़े भाई बहनों को समझाना और खुद भी समझना कि ये वाला जो लूज है, जो L O S E है, उसका मतलब होता है किसी चीज का खो जाना, गुम हो जाना। आप लोग कहीं घूमने जा रहे हो, आपसे आपकी घड़ी गुम गई, तो आप क्या बोलोगे, आई लॉस्ट माई वॉच, कि मैंने अपनी घड़ी खो दी। बट अगर आपके कपड़े बहुत ढीले हैं तो आप क्या बोलोगे, दीज क्लूज आर लूज, दीज क्लोथ्स आर लूज। और यहां पर जो लूज आप चूज करोगे उसमें एल डबल ओ एस ई आ जाएगा, ठीक है? ढीला होना आ जाएगा। तो एक लूज विद सिंगल ओ का मतलब है किसी चीज का खोना, और एक लूज जिसमें डबल ओ है उसका मतलब है ढीला हो जाना। क्लियर? ओके, तो रेगुलर वर्ब हमको समझ आ गया, रेगुलर मतलब सेम सेम से है सब कुछ, तो यहाँ पर देखो सब सेम सेम सा है। इसके अलावा दूसरे वर्ब फॉर्म्स होते हैं हमारे, जो कि इरेगुलर वर्ब होते हैं। इरेगुलर मतलब जो सेम सेम ना हो। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा फंडा उल्टा हो गया है। तो यहाँ पर बेसिकली हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्टील है अगर, मतलब चोरी करना, तो अगर यहाँ पर स्टील है तो वो स्टोल हो गया, बट यहाँ पर स्टोल नहीं है, यहाँ पर स्टोलन है,
चेंज दिख रहा है? सेम नहीं है. रेगुलर वर्ब सेम जाएंगे, इरेगुलर अलग जाएगा. ठीक है, तो यहां पर अगर हाइड है, छुपना, तो ये हिड हो जाएगा पास्ट टेंस, और ये हो जाएगा हिडन. ठीक है, ओके. यहां पर अगर ड्रॉ है, किसी चीज को ड्रॉ करना, चित्र बनाना, तो ये ड्रू हो गया पास्ट टेंस और ये ड्रॉन हो गया. सब चेंज दिख रहा है, ये आपको रटे होने चाहिए, तो ये रट लेना फटाफट से, यहां पर ड्रॉन हो जाएगा. ठीक है, अगर यहां पर ईट है, खाना, जो सेलेना गोमेज कर रही थी, खा रही थी, तो यहां पर एट हो गया पास्ट टेंस और उसके बाद ईटन हो गया. ठीक है, ओके. वर्ब का थर्ड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड फर्स्ट फॉर्म. और ऐसे ही यहाँ पर फ्रीज होना, वो हो कुछ जम जाना, यहाँ पर क्या हुआ, जम गया था, फ्रोज वर्ब सेकेंड फॉर्म, एंड फ्रोजन जम जाएगा. वो डिपेंड करता है कि आप उसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाते हो. ओके, तो ये चीज हमको काफी अच्छे से क्लियर हो गई है. अब हम क्या करेंगे, फटाफट से दूसरी क्विज का आंसर करेंगे. मैंने आपको ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव सब कुछ समझा दिया है और रेगुलर इरेगुलर भी समझा दिया है. तो गेट रेडी फॉर द सेकेंड क्विज नाउ, द सेकेंड एंड द लास्ट क्विज, लेट्स गो. अब ये वाली क्विज हमसे पूछती है, Which of the following is an intransitive verb? इन सब में से intransitive verb कौन सा है? Intransitive कौन सा था बच्चों? Intransitive वो वाला था जो object नहीं लेता. फटाफट से देखो, object कौन सा नहीं लेता इन सब में से, बताया भी है मैंने. I hope हो गया होगा answer click. देख लो जल्दी जल्दी, दोबारा सोच लो. हो गया? Okay, let's move on. Next question says, which of the following is a transitive verb? और अब जो है ट्रांजिटिव वर्ब कौन से वाला है, इन सब में से बताओ ट्रांजिटिव कौन सा है, मतलब आगे ऑब्जेक्ट कौन सा लेगा. आई होप अब तक क्लिक कर दिया होगा आंसर, इट्स वेरी इजी. सेंटेंस बना के देखो फटाफट. डू यू वॉन्ट समथिंग? यस यू वॉन्ट समथिंग. डू यू किक समथिंग? यस यू डू किक समथिंग. एंड डू यू किस समथिंग? यस यू किस समबडी और समथिंग. ठीक है, ओके, फाइन. आंसर डिस्कस कर लेते हैं इनके. पहले क्वेश्चन का आंसर है ऑब्वियसली ऑप्शन चॉइस डी, डाई, जिसका मतलब क्या है कि अगर कोई मर जाता है तो ऑब्वियसली साथ में कोई ऑब्जेक्ट नहीं लेता है. और यहां पर ट्रांजिटिव वर्ब जैसे मैंने बोला सभी हैं, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन चॉइस डी, ऑल ऑफ द अबव. यू कैन किक समथिंग लाइक यू किक योर यंगर ब्रदर, यू किक योर एल्डर ब्रदर, तो वो कौन है, ऑब्जेक्ट हो गया जिसको पड़ेगी लात, है कि नहीं. You want something, Mama, I want ice cream. तो आपको कुछ चाहिए ना, तो ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ये तो ले रहा है. ऐसे ही किस, यू किस योर डॉग, तो आपका डॉग क्या है, आपका वो ऑब्जेक्ट है जिसको वो चीज मिल रही है, जिसके ऊपर वो हो रही है. तो आंसर क्या हुआ, ऑल ऑफ द अबव. ओके, आई होप ये क्लियर हो गया हो. दैट इज द एंड ऑफ आवर क्लास टुडे. वी विल कंटिन्यू.